नमस्कार मैं हूं पवन त्यागी अरविंद केजरीवाल आजकल असम के दौरे पर हैं और वहां जाने के बाद एक बार फिर से उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जिस तरह की चालाकी और घुमा फिराकर बातों को वो करते हैं जनता को यह बताने की कोशिश करते हैं कि उनसे भोला कोई नहीं है हालांकि जनता अब समझ चुकी है कि के अरविंद केजरीवाल जी क्या कब और कैसे करते हैं उसके पीछे का मकसद क्या है अरविंद केजरीवाल जी ने असम के गुवाहाटी में पहुंच करके एक सभा को संबोधित किया और उन्होंने ये कहा कि हेमंत विश्व शर्मा ने मुझे जब मैं असम आना चाह रहा था तो मुझे धमकाया और मुझे यह कह दिया कि मैं तुझे उठाकर जेल में डाल दूंगा असम की संस्कृति वो नहीं जानते असम के लोग तो घर में बुलाकर लोगों को मेहमानों को चाय पिलाते हैं जबकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा मुझे धमका रहे थे जनता से उन्होंने पूछा क्या मैं आतंकवादी हूं अब आपको मैं बताता हूं हेमंत विश्व शर्मा ने किस मुद्दे पर यह कहा था आपको बताऊं हेमंत विश्व शर्मा एक कार्यक्रम में जा रहे थे और बाकायदा पत्रकारों ने उनसे एक सवाल किया और वो सवाल यह था कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं दिल्ली की विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में यह बोला था कि जो बीजेपी है जो ईडी है सीबीआई है उसके जरिए विपक्ष को परेशान कर रही है और जो बीजेपी के लीडर हैं या जो बीजेपी के सहायक दल हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में बाकायदा यह कहा कि हेमंत बिश्व शर्मा भी घोटाले में फंसे हुए हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और उन्होंने कहा कि बीजेपी के किसी लीडर के खिलाफ ईडी जांच नहीं करती जबकि हमारे नेताओं के खिलाफ जांच हो रही है और जो विपक्ष के नेता हैं उनको पकड़कर जेल में डाला जा रहा है इस पर जब पत्रकारों ने हेमंत विश्व शर्मा से कहा कि आपके खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में यह आरोप लगाए कि आपके ऊपर कई केस दर्ज हैं आप भी घोटाले में फंसे हुए हैं आपके खिलाफ कोई सीबीआई ईडी जांच नहीं कर रही है इस पर हेमंत विश्व शर्मा ने यह कहा कि मेरे खिलाफ आज तक भारत के किसी भी न्यायालय में कोई केस नहीं चल रहा है मेरे खिलाफ कोई किसी थाने में एफआईआर दर्ज नहीं है उन्होंने साथ में यह भी जोड़ा कि हां कांग्रेस के कुछ लीडरों ने जरूर मेरे ऊपर एफआईआर कराई वो जो बदले की भावना से हुई इसके अलावा घोटाले का एक भी आरोप मेरे ऊपर नहीं है अरविंद केजरीवाल ने जो शब्द दिल्ली विधानसभा में बोले क्योंकि विधानसभा में बोले गए शब्दों के ऊपर कोर्ट में केस नहीं हो सकता और मानना का अरविंद केजरीवाल जी को मैं चुनौती देता हूं कि वो विधानसभा के बाहर वही शब्द बोले जो उन्होंने मेरे बारे में बोले थे कि मैं किसी घोटाले में इन्वॉल्व हूं मैं किसी अपराध में लिप्त हूं तो मैं उनके ऊपर मानहानि का केस करूंगा और उनको जेल में डालूंगा यह वर्ड बोला और यह हमने देखा यह खाली हेमंत विश्व शर्मा की भाषा नहीं है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में मोदी जी के ऊपर प्रहार किया क्या पूरा देश यह मानता है कि मोदी जी के पास अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मोदी को भी नहीं छोड़ा और यह विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि देश के प्रधानमंत्री मोदी अडानी के जरिए अपना पैसा लगाते हैं और उन्होंने कहा कि पैसा मोदी का है अडानी का बिजनेस और दिमाग है और ने कहा कि इस तरह से अरबों रुपया मोदी जी का अडानी की फर्मों में लगा हुआ है अब ये पूरी दुनिया जानती है कि मोदी जी वो व्यक्ति है जिन्होंने राजनीति में वो 2014 में प्रधानमंत्री बेशक बने हैं लेकिन उसके पहले वो 2001 से लेकर 14 तक मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कभी भी अपने रिश्तेदार भाई भतीजा इन तक को कोई लाभ नहीं पहुंचाया सार्वजनिक जीवन पूरा खुला है कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तब उनके ऊपर कोई एक भ्रष्टाचार का केस सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि करते ही नहीं लेकिन आज अगर कोई अचानक यह कह दे कि अडानी का पूरा बिजनेस मोदी के पैसे से चल रहा है यह तो अतिशयोक्ति है अब इसको लेकर भी बीजेपी वाले कह रहे कि भाई अरविंद केजरीवाल ने जो यह बयान दिया यह जो मोदी पर इतना गंभीर आरोप लगाया इसको लेकर कोई केस क्यों नहीं करता अब वो पढ़े लिखे हैं भाई अरविंद केजरीवाल जी बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको नॉलेज है और इसलिए उन्होंने दिमाग लगाया कि मैं आरोप भी लगाऊं, मीडिया उसे कवर भी करे और वो पूरी दुनिया में फैल भी जाए मोदी को टारगेट कर दूं बदनाम कर दूं और उनके खिलाफ केस भी ना हो पाए कैसे हो सकता है तो दिमाग लगाया एक जगह है विधानसभा दिल्ली विधानसभा वहां तो मेरी सरकार है विधानसभा का अध्यक्ष भी मेरा है वहां कोई केस होगा तो उसकी जांच वो समिति करेगी जिसमें मेरे ही आदमी होंगे यहां बोले गए किसी भी शब्द के बारे में मेरे ऊपर केस नहीं चल सकता और मैं जेल भी नहीं जाऊंगा और इसलिए उस जगह का इस्तेमाल किया जहां हेमंत बिश्व शर्मा का नाम उन्होंने लिया वहां मोदी का नाम लिया और वो टारगेट करेंगे जिसको भी करना है वो बड़ी चलाकी से विधानसभा का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसीलिए हेमंत विश्व शर्मा ने चुनौती दी थी कि भाई अगर उनके अंदर दम है और वो यदि ये आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत विश्व शर्मा किसी केस में वांटेड है या दोषी है या संलिप्त है कोई घोटाला मैंने किया है तो वो बोल रहे हैं कि भाई जो विधानसभा के अंदर बोला वो शब्द जरा बाहर भी बोल दें बाहर और अंदर बोलने का मतलब क्या है विधानसभा में कोई केस नहीं हो सकता और अगर बाहर बोलेंगे तो भाई केजरीवाल जी आप असम गए आप बात को झूठ क्यों बोल रहे हो आप बताते ना हेमंत विश्ववर्मा के बारे में मैंने क्या बोला था कहां बोला था आप असम में खड़े थे वहीं उस स्टेज पर बोलते कि आपके मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन्होंने घोटाला किया है करते ना कहते एक केस तो चल रहा है ना पत्नी के बारे में कहने में कि कोविड में पत्नी को आपने जो है फायदा पहुंचाया तो आप हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में एक शब्द असम में जाकर नहीं बोलते क्योंकि आपको पता है मानना का केस होगा और कोर्ट में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हेमंत बिश्व शर्मा किसी अपराध में किसी भ्रष्टाचार में लिप्त है और यदि आपने वो सबूत नहीं दिए तो आप समझ लीजिए राहुल गांधी की तरह सजा होगी और आपकी विधानसभा की सदस्यता भी जाएगी छह साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते और इसलिए केजरीवाल जी चाहे मोदी पर प्रहार कर रहे हैं चाहे हेमंत शर्मा पर वो पब्लिक में नहीं बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलने के लिए उन्होंने किसको रखा है संजय सिंह को संजय सिंह के खिलाफ केस होगा तो के केस में केस होगा राज्यसभा की सदस्यता जाएगी एक सीट खाली होगी किसी और को राज्यसभा मेंबर बनाएंगे लेकिन केजरीवाल जी तो पढ़े लिखे दिमागदार हैं और इसे दिमाग का इस्तेमाल करते हैं असम की धरती पर भैया हेमंत विश्व शर्मा अगर भ्रष्ट आदमी है वो भ्रष्ट नेता है तो असम की पब्लिक को समझाते वोट नहीं देंगे वहां के लोग लेकिन वहां आप नहीं बोलोगे और वो जेल जाने का डर वैसे ही नहीं है कि हेमंत विश्व शर्मा की पुलिस उठा करके फर्जी केस में आपको जेल में डाल देगी भाई न्यायपालिका है कोर्ट है कोर्ट देखेगा आपको पुलिस पकड़कर है तो केस क्या है अपराध क्या है लेकिन आप सही बात लोगों को नहीं बताते आधी अधूरी बात बताते हो जैसे आपने क्या कहा मनीष सिसोदिया को पकड़कर जेल में डाला गया है और अब कोर्ट की टिप्पणी है कि सौ करोड़ का घोटाला हुआ जिसमें सूत्राधार मुख्य सूत्राधार मनीष सिसोदिया दिखाई देते हैं लेकिन आप आधी बात बताते ही नहीं हो ये कहते हो हमारे मनीष सिसोदिया को पकड़ लिया है सबूत कुछ है नहीं अरे भाई सबूत नहीं होते तो कोर्ट में जमानत ना मिल जाती तो ये एक ट्रेंड है ये एक तरीका है अरविंद केजरीवाल जी का राजनीति करने का कि लोगों को झूठ परोसो और झूठ को परोसने में उसको अप करने के लिए भी झूठ बोलो ताकि लोगों को सच लगने लगे लेकिन हेमंत बिश्स शर्मा के बारे में असम में जाकर आप यह कह रहे हैं कि हेमंत विश्व शर्मा ने करा क्या है हमने देखो दिल्ली चमका दी हमने दिल्ली में बहुत कुछ काम किया है तो हेमंत विश्व शर्मा जी को जो हेमंत विश्व शर्मा जी को लोगों ने वोट दिया है वो वहां पुल सड़क नाली खड़ंजे बनाने को नहीं दिया असम की जनता ने एक वजह से हेमंत विश्व शर्मा जैसे नेता को चुना भाजपा को वोट दिया क्योंकि वहां बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या बड़ी संख्या में सरकारी जमीन को कब्जा कर बैठे हुए थे और जगह जगह उन्होंने उत्पाद मचा रखा था हेमंत बिश् शर्मा ने अनेक ऐसे काम किए हैं जो कभी असम में पहले आज से नहीं हुए विकास के काम भी एक के बाद एक हुए हैं अरबों करोड़ों रुपए की योजनाओं को वहां लागू किया गया है लेकिन जो मेन काम जिसके कारण असम की जनता और असम ही नहीं पूरे भारत में हेमंत विश्ववर्मा का लोकप्रियता का ग्राफ बड़ा है और वो है हेमंत विश्व शर्मा के द्वारा किया गया काम जो आते ही सबसे पहले सीएम बनते किया था वो किया था उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठियों से जमीनें मुक्त कराई थी बुलडोजर चलाया था योगी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए हेमंत विश्व शर्मा ने ऐसे सभी घरों को तोड़ गिराया था जो बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या सरकारी जमीनों को कब्जा करके वहां रह रहे थे उनको मार भगाया उसके बाद उन्होंने वहां जो अवैध मदरसे थे उनको बंद किया उन पर बुलडोजर चलाया और यह कह दिया कि मैं मदरसों को नहीं खुलने दूंगा सरकार के पैसे से कोई मदरसा नहीं चलेगा यह बंद किया और यह सबसे बड़ा काम था जो हेमंत बिश्व शर्मा ने किया और लोग उनका वाहवाही कर रहे हैं दूसरी तरफ आप जिस दिल्ली की बात कर रहे हैं दिल्ली में आपने रोहिंग्याओं का वेलकम किया बांग्लादेशी घुसपैठियों को आपने बसाया और ओखला के क्षेत्र में बाकायदा उनको बिजली पानी का कनेक्शन चिकित्सा सब कुछ दिया यही अंतर है और इसलिए आप असम में जहां खड़े होकर इस तरह के नारे लोगों से लगवा रहे हो वावाई लूट रहे हो वहां की जनता आपके बहकावे में आने वाली नहीं है सच्चाई को जनता समझती है पूरे देश को भी ये बात समझनी है कि ये नेता किस तरह से मोदी को और देशभक्त और राष्ट्रभक्त और हिंदुवादी नेताओं को बदनाम करने के लिए पैतरेबाजी करते हैं चलाकी से ऐसी जगहों का इस्तेमाल करते हैं जहां इनके ऊपर कोर्ट केस ना हो पाए लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी विधानसभा में खड़े कर जो आरोप मोदी पर और हेमंत विश्व शर्मा पर लगा रहे थे अगर उन आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो हेमंत विश्ववर्मा की खुली चुनौती है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या किसी भी सार्वजनिक मंच से उस तरह का बयान फिर से दें तो उनको पता लगेगा कि देश में कानून क्या होता है और झूठ बोलने की सजा क्या होती है आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बंदे मात्र